सभी शवासन में लेट जाएंगे। शरीर सिर से पांव तक एक सीध में होगा। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों पैरों के बीच कम से कम एक फुट का अंतर, दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर खुली रहेंगी, आंखें बंद। एक बार अच्छी तरह से फिर से स्वयं के शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। विश्राम, पूर्ण विश्राम की अवस्था। योग निद्रा का अभ्यास शुरू होने जा रहा है। शुरू होने के बाद शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें आखिर तक बंद ही रहेगी। गहरी श्वास लेंगे, अनुभव करेंगे शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। शरीर संपूर्ण शिथिल। समय समय पर स्वयं को परखते जाएंगे, स्वयं से बार बार कहेंगे मैं सोऊंगा नहीं। जो आवाजें आपको सुनाई दे रही है, जो हम आपसे कह रहे हैं, उसका मानसिक विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल पालन करेंगे। संपूर्ण विश्राम की अवस्था। हम जो भी आपसे कहेंगे उनके प्रति संपूर्ण सजगता। अपने आप को पूर्ण रूप से शांत कर देंगे। पूरे शरीर का ख्याल, मैं सजग हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा, मुझे सोना नहीं है। मुझे पूरे अभ्यास के दौरान जागते रहना है। शरीर की सारी हलचल समाप्त। शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं, कोई कड़ापन नहीं। मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं, जोड़ों में कोई तनाव नहीं। सिर के सिरे से पांव तक शरीर संपूर्ण शिथिल, तनाव रहित। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की सभी आवाजों पर केंद्रित करेंगे। पंछियों की आवाज सुनाई दे रही है, कोई भी आवाज को मन पे टिकने नहीं देना है।
केवल आवाजों के प्रति सजग, ध्वनि के प्रति सजग। आवाज हो रहा है, मैं सुन रहा हूं। अपनी चेतना को पूर्ण बाह्यमुखी कर देना है, जो कुछ सुनाई दे रहा है। सजगता, अब अपनी चेतना को अपने श्वास की ओर लाएंगे। सामान्य श्वास जो अंदर ले रहे और जो छोड़ रहे, श्वास के प्रति संपूर्ण सजग। केवल देखना है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कोई भी श्वास मेरी जानकारी के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। आती हुई श्वास का तापमान, जाती हुई श्वास का तापमान महसूस करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को अंदर आते और बाहर जाते देखेंगे, मन शांत, विश्राम। अब अपने विकास के लिए कोई भी रचनात्मक भाव से एक संकल्प लेंगे। वो स्वभाव आपके स्वभाव के अनुकूल होगा। वो संकल्प बहुत छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। कोई भी संकल्प लेंगे, योग निद्रा में किया हुआ संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होगा, यह विश्वास। कोई भी छोटा सा संकल्प अपने स्वभाव अनुसार, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन की पवित्रता के लिए, विश्व कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए, एक छोटा सा संकल्प स्पष्ट हो। अब उस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएंगे, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ।
अब अपनी चेतना को पूरे शरीर में दौड़ाना है, मन के विभिन्न भागों में, जिस अंग का हम वर्णन करेंगे मन की आंखों के सामने उस अंग को लाना है। और उसे शिथिल छोड़ता जाएंगे। संपूर्ण सजगता के साथ शुरू करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल, राइट हैंड पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, कलाई शिथिल, कोहनी, कंधा, दाई बगल, छाती का भाग शिथिल, अब बाएं हाथ का ख्याल करेंगे, बाया कंधा, बाई बगल, कोहनी, कलाई, मन को वहां वहां ले जाएंगे, बाया अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पेट का भाग श्वास के साथ पेट ऊपर नीचे हो रहा है उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। पैरों की ओर जाएंगे, दाई जांघ शिथिल, दाया घुटना पिंडली, टखना एड़ी, दाया पंचा, दाएं पैर का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, संपूर्ण दाया पैर, अब बाएं पैर की ओर, बाई जांघ, बाया घुटना, बाई पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, संपूर्ण बाया पैर शिथिल, दोनों पैर शिथिल। अब चेतना को शरीर के सामने, शरीर के सिरे पर ले जाएंगे, माथा, दाई भौं, बाई भौं,
भ्रुकुटी का मध्य भाग, दाई आंख, बाई आंख, दाया कान, बाया कान, दाहिनी नासिका, बाई नासिका, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, थुड्डी, गला, संपूर्ण सिर, शिथिल। गर्दन शिथिल, सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। सजगता बनाए रखेंगे, सोना नहीं है, हिलना नहीं है, शांत। कल्पना करेंगे, धरती माता ने मेरे शरीर को अपनी गोद में उठाया है, देखेंगे उगते हुए सूरज को, अब आंखों के सामने उगता हुआ सूरज, देखेंगे तालाब में कमल का फूल, गुलाब का फूल, देखेंगे आकाश में चंद्रमा को, पूर्णिमा का चंद्रमा, देखेंगे एक समुद्र को, समुद्र में एक जहाज जा रहा है, जहाज के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती है, दूसरी तरफ लालटेन जल रही है, उसकी जलती हुई लौ को देखेंगे, अब धीरे धीरे सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य विराजमान आत्मा पर, मैं एक चैतन्य ज्योति हूं, स्थूल शरीर में विराजमान चेतना की एक बूंद हूं, स्थूल शरीर को यहीं छोड़, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण किए उड़ रही हूं ऊपर, धरती से परे, पांच तत्वों के पार, आसमान में, आकाश से भी पार, अंतरिक्ष में पहुंच गई सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है, बाबा से दृष्टि लेंगे, बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है, विजयी भव, सफलता मूर्त भव,
स्वयं भगवान वरदान दे रहे। वतन में एक बहुत बड़ा पर्दा है। अपने किए हुए संकल्प को साकार होते हुए पर्दे पर देखेंगे। संकल्प यदि पवित्रता का था, देखेंगे अपनी दिनचर्या को, दृष्टि में पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, स्मृति में पवित्रता, सुबह से लेकर रात तक हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता, जो संकल्प था उसी अनुरूप उसका साकार संपूर्ण रूप इस पर्दे पर देखेंगे। पूर्ण स्पष्टता से देखेंगे। जो संकल्प किया वो सहजता से साकार हो रहा है, हो जाएगा। अब धीरे धीरे वापिस मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में प्रवेश कर रही हूं। अपने मन में अब पुनः उसी संकल्प को 3 बार दोहराएंगे। संकल्प बदलना नहीं है, पूर्ण जागरूकता के साथ पूर्व संकल्प को 3 बार मन में दोहराएंगे। संकल्प के समय अपनी भावना प्रबल हो, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संकल्प के प्रति सजगता, इस संकल्प को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। संकल्प को 3 बार दोहराएंगे बहुत धीरे से, मन ही मन। अब अपनी चेतना को फिर से बाह्यमुखी करेंगे। बाहर की सभी आवाजों पर ध्यान, बाहर के वातावरण का ख्याल, जो भी आवाजें सुनाई दे रही है उसे ध्यान से सुनेंगे। आरंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर बहुत धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अब अपनी हाथों के उंगलियों को हिलाएंगे। चेतना को फिर से पूरे शरीर के साथ जोड़ देंगे। गहरी गहरी श्वास लेते हुए अब पूरे शरीर की हलचल करेंगे। आंखें बंद, बाई करवट पर होते हुए आंखें बंद अवस्था में ही उठकर बैठेंगे और फिर आंखें खोलेंगे। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ। ओम शांति।